हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइक्लिक ट्राईमेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो जैसे कि आप नाम में ही देख रहे हैं, ये एक साइक्लिक एसिड है और ये बना है तीन मॉलिक्यूल ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से। तो ये सिंपली एक ट्राइमर है। तो बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप मेरी मेटाफॉस्फोरिक एसिड की वीडियो ज़रूर देख लें। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, मेटाफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HPO3। तो ये ट्रा है, तो इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तीन से, तो सिंपली आपका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा H3P3O9। ठीक है, तो हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर कैसे होगा? सिंपली आप अल्टरनेट ऑक्सीजन और फॉस्फोरस को अरेंज कर दीजिए। ये P, यहाँ पे भी P, और यहाँ पे O, यहाँ पे O, और यहाँ पे P, और फिर सिंपली इनके बीच में बॉन्ड बना दीजिए। तो ये हो गया बॉन्ड। अब हर एक फॉस्फोरस पे एक डबल बॉन्ड O और एक सिंगल बॉन्ड OH लगाइए, क्योंकि ये हर एक ऑक्सी एसिड का कंपलसरी क्राइटेरिया है। ये मैंने अपनी पहली इंट्रोडक्टरी वीडियो में बता रखा है, दैट इज़ ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। तो ये आप सब में बना लीजिए। तो यहाँ पे हो गया ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये हो गया OH। ठीक है, तो अगर आप देखें तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए इसमें, तीन, और फॉस्फोरस भी आप देख रहे हैं टोटल कितने हो गए, तीन, एक, दो, और ये तीन, और ऑक्सीजन भी आप देख सकते हैं इसमें टोटल तीन, तीन, छः और तीन, नौ ऑक्सीजन भी हो गए हैं। तो ये हो गया हमारा साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। चलिए अब हम देख लेते हैं इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को। तो इसमें आप देख रहे हैं ये तीन हाइड्रोजन जो हैं ये एसिडिक हैं, क्योंकि ये अटैच है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खुद के पास रख लेगा और H+ को रिलीज कर देगा। ठीक है, तो इट इज़ अ ट्राई बेसिक एसिड, दैट इज़ तीन H+ देने वाला एसिड। और अगर आप इसमें हर एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें तो वो है +5, क्योंकि सॉरी मैंने ऑक्सीजन बोला हो तो फॉस्फोरस की बात कर रहा हूँ, तो फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके पांच इलेक्ट्रॉन उससे दूर चले गए हैं। इसका मतलब अगर इस बॉन्ड को सबको तोड़ दिया जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के हिसाब से, तो फॉस्फोरस पे आ जाएगा +5 का चार्ज। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई फॉस्फोरस की +5, और हर एक फॉस्फोरस यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या? sp3। और इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इस मॉलिक्यूल में टोटल कितने POP बॉन्ड हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे POP बॉन्ड टोटल जो है एक, दो और तीन है। और ये भी पूछा जाता है P डबल बॉन्ड O बॉन्ड कितने हैं, तो वो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे तीन है। ठीक है, और वो एंट्रेंस में POH बॉन्ड भी पूछ सकते हैं जो कि होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, जो कि एक साइक्लिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके प्रिपरेशन मेथड की तरफ। तो इसके प्रिपरेशन के लिए हम लेंगे H3PO3 को। जी हाँ, इसे हम कहते हैं ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, या फिर आप सिर्फ कह सकते हैं फॉस्फोरस एसिड। और इसे करना होगा आपको हीट, किसमें? एक सील्ड ट्यूब में, और फिर आपको मिल जाएगा HPO3 थ्राइस प्लस H2। रिएक्शन को मैं बैलेंस कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे आपको Br2 के प्रेजेंस में गर्म करना होगा। सॉरी फॉर दैट, आई फॉरगॉट टू राइट Br2। तो यहाँ पे Br2 आएगा, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको HBr। टोटल कितने HBr? इट विल बी 3 Br2। तो यहाँ पे हो जाएंगे टोटल 6 HBr। ठीक है, तो ये हो गया तीन, फॉस्फोरस भी यहाँ पे तीन है, तो ये भी तीन हो गया।
सो आई होप आई कैन चेक द नंबर ऑफ ऑक्सीजन, वो 9 हो गए, यहाँ पे भी 9 हो गए, हाइड्रोजन टोटल हो गए 3369, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 9 और Br भी 6, सो दिस इज़ अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो याद रखिएगा आपको फॉस्फोरस एसिड लेना है या फिर ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड कहिए, और उसे ब्रोमीन के प्रेजेंस में गर्म करना है सील्ड ट्यूब में, तो वो बना देगा मेटा फॉस्फोरिक एसिड, मेटा फॉस्फोरिक एसिड का साइक्लिक ट्राइमर। साइक्लिक ट्राइमर मतलब 3 मॉलिक्यूल एक साथ, वो भी साइक्लिक फॉर्म में। तो ये था हमारा वीडियो साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड के बारे में। आई होप यू अंडरस्टूड एंड एन्जॉयड द वीडियो। थैंक्स अ लॉट।